is a rehearsal or a rough study or a trial before conducting an actual study. जब भी हम अपनी एक्चुअल स्टडी करने जा रहे हैं उससे पहले एक ट्रायल करके देखते हैं, उससे पहले एक रफ स्टडी करके देखते हैं कि हमारी रिसर्च जो होगी, जो हमारी एक्चुअल स्टडी होगी वो कितनी फ्रूटफुल होगी, या उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स क्या होंगी, या उसमें लगने वाला टाइम कितना होगा, या उसमें लगने वाला पैसा कितना होगा. ये जानने की जब हम कोशिश करते हैं तो एक छोटी स्टडी पहले करते हैं, एक रफ स्टडी पहले करते हैं. उस रफ स्टडी को या एक रिहर्सल को या एक ट्रायल को, उस टाइप की स्टडी को हम एक पायलट स्टडी कहते हैं. देखिए आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर आ रही है, उस पर दो फ्रेंड्स बने हुए हैं और एक फ्रेंड बहुत कंफ्यूज है और वे कह रहा है आई डोंट नो हाउ एंड फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट माई रिसर्च. वो बिल्कुल इसी तरीके से कंफ्यूज है. एंड नॉर्मली हर इंसान जो रिसर्च करने जा रहा होता है वो यही कंडीशन फेस करता है, उसके समझ में नहीं आता कि वो अपनी रिसर्च कहाँ से शुरू करे. एंड हिज फ्रेंड इज एडवाइसिंग हिम कंडक्ट अ पायलट स्टडी, यू विल गेट ऑल द आंसर्स. अगर तुम पहले एक पायलट स्टडी करके देखो और तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. पायलट स्टडी कहते हैं छोटी सी स्टडी, कि ऑब्वियसली आप एक रिसर्च करने जा रहे हैं, आपका नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, आपको बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करना है, बहुत सारे लोगों से जाके मिलना है, बात करनी है, तो हमें डायरेक्शन में समझ में आता है कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा हमारा लगेगा. तो हम जब इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर तरीका है कि हम एक पायलट स्टडी कर लें. पायलट स्टडी कहते हैं कि हम पूरी रिसर्च जैसे हमें करनी है बिल्कुल वही क्वेश्चन ले जाके, बिल्कुल उसी तरीके से कुछ कम लोगों से जाके उसके बारे में पूछना, कम लोगों से उसके बारे में जानना, और उसके बाद उसका रिजल्ट निकाल के देखना कि हमारे ये जो हमने छोटी सी स्टडी की है इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आई, या हमारा कितना टाइम इसमें लगा, या हमारा कितना पैसा इसमें लगा, ताकि हम ये एस्टिमेट बना सकें कि हमारी जो ओरिजिनल स्टडी होगी वो कैसी होगी. अब जैसे कि सपोज आई एम गोइंग टू परचेज अ फोर व्हीलर, तो मैं क्या करूंगी, आई विल गो टू द शोरूम एंड आई विल टेक अ टेस्ट ड्राइव. क्यों मैं लूंगी टेस्ट ड्राइव, ताकि टू नो इट्स फीचर्स, वीकनेसेस, स्मूथनेस ऑफ द व्हीकल, इट्स एसी, कंफर्ट ऑफ सीट्स, कैपेसिटी. तो ये सारी चीजें मैं जानने की कोशिश करूंगी ताकि जब मैं अपनी ओरिजिनल गाड़ी लेके आऊँ मुझे पता हो कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं और क्या इसमें कमियां हैं. सपोज हमारे कॉलेज में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, उसकी रिहर्सल करते हैं फाइनल प्रोग्राम से पहले. कई बार तो रिहर्सल बिल्कुल एक्चुअल तरीके से की जाती है, उन्हीं कॉस्ट्यूम्स को पहन के, उतनी ही लाइट एंड साउंड के साथ, उतनी ही एनर्जी के साथ, उसी तरीके से अनाउंसिंग की जाती है, उसी तरीके से एक एक प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है ताकि हमें एक्चुअल टाइम पता चले कि हमारा प्रोग्राम कितनी देर में खत्म होगा, क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही हैं अभी आज लाइट ऑन साउंड में, या लोगों के अपीयरेंस में, या किसी तरीके की कोई और प्रॉब्लम स्टेज पर आ रही है, माइक की प्रॉब्लम आ रही है, या कोई और प्रॉब्लम आ रही है. ये सब चीजें जब हम देखते हैं रिहर्सल करके तो हमें पता चलता है कि हमारा एक्चुअल प्रोग्राम कैसा होगा, कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्ट टाइम का हमें अंदाजा होता है, एक्चुअल अपीयरेंस का अंदाजा होता है किस तरीके से होगा. इस तरीके से ये पायलट स्टडी होती है. पायलट स्टडी भी हम एक रिहर्सल करके देखते हैं कि हमारी एक्चुअल रिसर्च कैसी होगी, उसी को हम कहते हैं पायलट स्टडी. अ पायलट स्टडी इज अ रिसर्च स्टडी कंडक्टेड बिफोर द एक्चुअल स्टडी. कब हम करते हैं इसे, बिफोर द एक्चुअल स्टडी. एक्चुअल स्टडी हमारी बहुत बड़ी है, उसको करने से पहले हम एक पायलट स्टडी करते हैं. पायलट स्टडीज आर यूजुअली एग्जीक्यूटेड एज प्लान्ड फॉर द एक्चुअल स्टडी बट ऑन अ स्मॉलर स्केल. बिल्कुल हम उसी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं अपनी पायलट स्टडी जिस तरीके से हमें अपनी ओरिजिनल स्टडी को कंडक्ट करना है, बट ऑन अ लार्जर स्केल, छोटे स्केल पे करके देखते हैं, तो कम लोगों के ऊपर वो उसी तरीके से स्टडी करके देखते हैं. इट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द फीजिबिलिटी, ड्यूरेशन, कॉस्ट एक्सेट्रा प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ फुल स्केल रिसर्च. इसे क्यों करते हैं, टू इवेल्युएट द फीजिबिलिटी. फीजिबिलिटी यानी कि हमने जो अपना क्वेश्चनेयर बनाया है वो कितना फीजिबल है, वो हमें सारी चीजों का जवाब उस क्वेश्चनेयर से हमें मिल रहा है या नहीं. ड्यूरेशन कितना टाइम लगेगा हमारी रिसर्च को खत्म होने के लिए. कॉस्ट कितना पैसा हमारा खर्च होगा इस पूरी रिसर्च को करने के लिए, एक्सेट्रा प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ फुल स्केल रिसर्च.
although a pilot study cannot eliminate all systematic errors or unexpected problems. Obviously, जो unexpected problems हैं या systematic errors हैं, उसे pilot study खत्म नहीं कर सकता. But it reduces the likelihood of making a type 1 and type 2 errors. There are several types of errors in research. उसमें से एक तरीके के errors होते हैं type 1 errors और एक तरीके के errors होते हैं type 2 errors. टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं. बोथ टाइप ऑफ एरर्स मेक द मेन स्टडी अ वेस्ट ऑफ एफर्ट टाइम एंड मनी. दोनों ही टाइप की एरर्स हमारे मेन स्टडी को बर्बाद कर सकती हैं, हमारे टाइम को बर्बाद कर सकती हैं, हमारे रिसर्च में खर्च होने वाले पैसे को बर्बाद कर सकती हैं. दोनों अगर किसी भी टाइप की टाइप 1 हमारी एरर्स हुई हों या टाइप 2 एरर्स हुई हों, हमारी रिसर्च एक वेस्टेज हो जाती है उन एरर्स की वजह से. तो पायलट स्टडी उन टाइप की एरर्स को काफी हद तक रिड्यूस करने की कोशिश करता है. नाउ थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग अ पायलट स्टडी, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए पायलट स्टडी करते हुए. सबसे पहले चीज, सैंपल साइज ऑफ द पायलट स्टडी शुड बी 10% ऑफ द एक्चुअल सैंपल साइज. ये हमें ध्यान रखना है कि जितनी भी हमने अपना टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स लेने हैं उसका 10% हम पायलट स्टडी में लेंगे. सपोज हमें एक स्टडी करनी है और 500 रिस्पोंडेंट्स, 500 का 10% कितना होता है 50, तो हम 50 लोगों पर पायलट स्टडी करके देखेंगे. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज नॉन इंक्लूजन ऑफ दीज सैम्पल्स इन द एक्चुअल स्टडी. ये जो हम पायलट स्टडी में इंक्लूड करते हैं, इन लोगों को कभी भी हम अपने एक्चुअल स्टडी में इंक्लूड नहीं करेंगे. जो पायलट स्टडी में लोगों को हम सर्वे करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज को हम कभी भी अपने एक्चुअल रिस्पॉन्सेज में इंक्लूड नहीं करेंगे. जब हम अपनी एक्चुअल स्टडी करेंगे तो फिर से 500 लोगों की अलग करेंगे, और ये जो 50 लोगों की हमने पायलट स्टडी की है इसे उन 500 में नहीं जोड़ेंगे. ये दो चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखनी है जब हम पायलट स्टडी करें. Now what are the advantages of pilot study? सबसे पहले है to check possibility. तो क्या चीज की possibility हम check करते हैं? We will check whether the research is possible or not. हम ये pilot study करके ये पता कर लेते हैं कि हमारी research करना हमारे लिए possible है या नहीं है, उसमें कोई परेशानी तो नहीं हो रही. अगर हमें पायलट स्टडी में कोई परेशानी ऐसी अभी तक सोच रहे थे कि हमारे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन हमने पायलट स्टडी की तरह हमें समझ में आया कि हमारे लिए रिसर्च करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हमें यहीं पे पायलट स्टडी के दौरान ही पता चल जाएगा एक्चुअल स्टडी करने से पहले. देन चेक प्रॉब्लम्स इन रिसर्च डिजाइन, मतलब वेदर द मेथड व्हिच वी हैव ऑप्टेड फॉर द स्टडी इज करेक्ट और नॉट. जो रिसर्च डिज़ाइन हमने बनाया है वो सही है कि नहीं, उसी के थ्रू हमें चलना है कि नहीं चलना है, कुछ चेंजेस करने हैं हमें अपने रिसर्च डिज़ाइन में. तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे रिसर्च डिज़ाइन में है या नहीं है ये हमारा चेक हो जाता है. देन चेक प्रॉब्लम्स इन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होगा, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होंगी, जो हमने टेक्निक और प्रोसीजर अपनाए हैं वो सही हैं या नहीं है. तो ये भी चीज़ हमारी पायलट स्टडी के दौरान चेक हो जाती है. चेक वर्किंग कंडीशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सपोज इफ वी आर कंडक्टिंग एनी टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और जिसमें हमें सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, तो पायलट स्टडी के टाइम पर हमें उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके भी हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहे हैं या नहीं, या यही इंस्ट्रूमेंट्स हमें अपने फर्दर रिसर्च के लिए चाहिए या किसी और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हमें अपने फर्दर रिसर्च में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो ये भी हम पायलट स्टडी से पता कर सकते हैं. देन आइडिया ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, Now we will get the exact idea of time and money that will require in the actual study. अभी हम देखेंगे 50 लोगों में हमें कितना टाइम लग रहा है, कितना पैसा हमारा खर्च हुआ, तो हम उसी हिसाब से एस्टिमेट बना लेंगे कि 500 लोगों को अगर हमें स्टडी करना है तो हमारा कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा उस पर हमारा खर्च होगा. देन रिड्यूस फेयर, ऑब्वियसली जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो हमें एक डायरेक्शन नहीं समझ में आता, हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें. एक दिल में, एक दिमाग में एक हल्की सी टेंशन रहती है, एक फेयर रहता है कि हम कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, नहीं समझ में आ रहा. तो ये जब हम पायलट स्टडी कर लेते हैं तो हमारा माइंड एकदम क्लियर हो जाता है और हमारे दिल से एक रिसर्च करने का डर खत्म हो जाता है. Then provide experience, obviously इसी से मिलता जुलता पॉइंट है. जब तक obviously researcher जो होता है एक fresher होता है,
तो उसके अंदर एक एंजाइटी और एक शाइनेस होती है, लेकिन जब वो एक पायलट स्टडी कर लेता है तो उसके अंदर एक एक्सपीरियंस आ जाता है, अब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि अब वो, अभी उसने 50 लोगों का किया, अब वो 500 लोगों का भी इसी तरीके से इंटरव्यू कर सकता है या 500 लोगों के ऊपर भी इसी तरीके से रिसर्च कर सकता है। देन इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ रिसर्चर, ऑब्वियसली जब तक हम किसी चीज में अंदर नहीं जाते हैं तब तक हम जानते नहीं है कि उसे काम कैसे करना है, फिर जब हम नए होते हैं तो हमारी एफिशिएंसी कम होती है, हम धीरे धीरे सीख रहे होते हैं, लेकिन जब हम एक पायलट स्टडी कर लेते हैं, सपोज हमने 50 लोगों के ऊपर स्टडी कर ली, अब हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई, अब हमारी काबिलियत, हमारी कुव्वत काम करने की वो बढ़ गई, अब हम 500 लोगों के ऊपर आसानी से काम कर सकते हैं, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर पायलट स्टडी क्या करता है, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पायलट स्टडी? ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग दैट इज इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यस, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपको मेन स्टडी अभी 500 लोगों की करनी है, लेकिन उससे पहले आप 50 लोगों में जूझ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन कंडक्टिंग रिसर्च ऑन दीज 50 पीपल। देन इट्स अ लेंथी डिलेज इन एक्चुअल वर्क। ऑब्वियसली इसकी वजह से आपका एक्चुअल वर्क जो है डिले हो जाता है। अभी आपको 500 लोगों को करना है, लेकिन अभी 50 लोगों को ही करने में आपका 6 महीने का टाइम वेस्ट हो गया, तो आपकी 6 महीने जो रिसर्च है वो और डिले हो गई। तो पायलट स्टडी करने की वजह से ये तो होता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारी एक्चुअल स्टडी जो है थोड़ी डिले हो जाती है। एंड थर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज वेस्टेज ऑफ डेटा। जो डेटा हमने पायलट स्टडी में कलेक्ट किया है दैट इज टोटली अ वेस्टेज फॉर अस, बिकॉज वी विल नॉट इंक्लूड दिस डेटा इन आवर फाइनल रिसर्च। तो जब हम ये डेटा अपने फाइनल रिसर्च में इंक्लूड ही नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए टोटली एक वेस्टेज है। तो हम इसे कंडक्ट भी कर रहे हैं, इसमें पैसा भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, एनर्जी भी लगा रहे हैं, लेकिन हमारा ये डेटा जो हमने कलेक्ट किया ये एक वेस्टेज है, क्योंकि इसे हम फर्दर अपनी एक्चुअल रिसर्च में जोड़ नहीं सकते। That is why it's a wastage of data. So, अगर हम ये कहें कि after knowing the advantages and disadvantages of pilot study, तो अगर हम ये कहें कि advantages ज़्यादा हैं या disadvantages ज़्यादा हैं, तो हम ये देखेंगे obviously advantages ज़्यादा हैं research pilot study करने के। को subscribe करना ना भूलें।